बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम लेके आए हैं आपके लिए लच्छे पराठे। देखने में बहुत खूबसूरत है और खाने में बहुत लजीज है। लच्छा पराठा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हम चलते हैं वीडियो की तरफ। हमने लिया मैदा, हमने पहले ही मैदे में नमक डाल के गूंद के रख लिया था। हमने लिया घी, हमने और सूखा आटा लिया इस्तेमाल के लिए। हमने सबसे पहले मैदे का पराठा लिया, उसको बेलने से बेल लेंगे। तो बेलते रहे आप, हम इसमें घी लगाएंगे अच्छी तरीके से, चारों से घी लगा लें बीच में भी। हम चक्कू से ऐसे पतला पतला काट लेंगे। इस तरीके से ये हमारी कट चुकी है। अब हम इसको रोल करेंगे, इसको अच्छी तरह रोल कर लें ताकि पट्टा खुले ना। अब हम रोल को गोल कर लेंगे तरीके से। हम इसको अच्छी तरह आटे में लपेट लेंगे, इसको हम बेलेंगे, बेलते रहे। अब हम उसको तवे में डालेंगे ताकि ये सिक जाए रोटी। इसमें आप घी डालेंगे, अब अच्छे से घी डालेंगे, तो पलटी कर देंगे। इसको हम अच्छे से तल लेंगे, तो गोल घुमाते रहें ताकि जले ना, तक ऐसे घुमाते रहें। इसको हम पलटी करेंगे, इसको हिलाते रहें। पेड़ा जले ना, हमारा पेड़ा तैयार हो चुका है। इसको हम प्लेट में निकालेंगे, हमारा लच्छा पेड़ा तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाली रेसिपी सबसे पहले देखने को मिले।